You know, लोग अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि वर्कआउट के बाद वो बहुत हैवी खाना खाते हैं. That's absolutely wrong. वर्कआउट के बाद कुछ ऐसा खाना चाहिए which has proteins and which is healthy. और मैं आज बनाऊंगी एवोकाडो क्विनोआ सैलेड विच इज बोथ. तो चलिए बनाते हैं ये सुपर हेल्दी पावर पैक क्विनोआ सैलेड. अब क्विनोआ क्या है एग्जैक्टली मैं आपको अभी बता रही हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग से चला जाए. दिस इज क्विनोआ. और पुराने ज़माने में साउथ अमेरिका में इसको गोल्ड कहते थे क्योंकि वो इतना इम्पॉर्टेंट था उनके फूड साइकिल में. ये एक ग्रेन है और इसको कहते हैं एक सुपर फूड क्योंकि ये प्रोटीन में सुपर हाई है, ग्लूटेन फ्री है और इसको पकाना बहुत ही आसान है विच इज़ व्हाट आई एम गोना शो यू राइट नाउ. तो इसमें डालेंगे 1 कप किनोआ, 2 कप पानी, दैट्स इट. इसमें डालेंगे हमारा पानी. इसके लिए हम चॉप करेंगे थोड़े से स्प्रिंग अनियन. हमारा इधर इंडिया में और एक ग्रेन है, इंडिजिनस ग्रेन है, जिसको कहते हैं अमरंथ. अमरंथ इज ऑल्सो अ सुपर फूड, बहुत ही न्यूट्रिशियस है. ओके, लेट्स कट अनियन. तो ये है मेरा, बस 1 प्याज डालेंगे इस सैलेड के अंदर क्योंकि कच्चा प्याज समटाइम्स थोड़ा सा एग्रेसिव होता है. और ये देखिए किनोआ रेडी है, वो पानी को अब्सॉर्ब कर चुका है और एकदम लाइट और फ्लफी बन चुका है. सो दैट्स ग्रेट. और इसको निकालते हैं एक बोल. नॉर्मली किनोआ सैलेड के लिए मैं इसको फ्रिज में 1-2 घंटे के लिए रखती हूँ टू लेट इट कूल डाउन, लेकिन आज हम इसमें ही डालने वाले हैं गर्मा गर्म. मैं आज यूज़ करने वाली हूँ हमारा प्रेस्टीज मिक्सर ग्राइंडर और इसमें एक ऐसा अटैचमेंट है ये जो आप देख सकते हैं विच इज़ रियली अमेजिंग क्योंकि इसके अंदर जो भी हो रहा है आप देख सकते हैं. आई थिंक दैट्स समथिंग रियली कूल. आपके फ्रेंड्स और फैमिली जरूर थोड़ा हैप्पी भी होंगे आपके लिए और थोड़ा जेलस भी, आई एम श्योर ऑफ इट. तो सैलेड के मिक्स के लिए हमें चाहिए 1 टमाटर. नाउ टमाटर के ये अंदर के सेगमेंट्स हम निकालने वाले हैं बिकॉज इन अ सैलेड वो पल्पी सीधी पार्ट जो होता है वो जस्ट डजंट टेस्ट राइट. एंड इसको काटेंगे डाइस में. सो टमाटर रेडी है. अब हमारे दूसरे हीरो इंग्रेडिएंट को इंट्रोड्यूस करेंगे और वो है ये. दिस इज एवोकाडो, एक बहुत ही फ्रेश और रिच चीज है और इट इज एक्सट्रीमली हेल्दी फॉर यू. ये ब्लड प्रेशर कम करवाता है, हार्ट के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल कम करवाता है. इट्स लाइक अ मिरेकल ड्रग. और ये देखिए इसको आधा काट के थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे. ये देखिए इसमें प्रिटी सीड निकालिए. ये थोड़ा सा कच्चा है अभी भी तो मैं इसको पील करने वाली हूँ. तो चलिए ये मेरा एवोकाडो भी रेडी है. इसके ऊपर तुरंत नींबू डालना है वरना ये काला हो जाएगा. इट इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट. पूरे एवोकाडो पे ये डालना है. और अब मैं यूज करने वाली हूं हमारा प्रेस्टीज मिक्सर ग्राइंडर टू ग्राइंड दिस अप. तो इसको थोड़ा काटते हैं हेल्प करने के लिए. एवोकाडो रेडी है. इसको डालेंगे हमारे प्रेस्टीज मिक्सर ग्राइंडर में और इस वक्त बहुत खुशी मिलती है दैट यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग. दैट्स द बेस्ट पार्ट. एवोकाडो अंदर है, इसमें डालेंगे नींबू का रस, वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ गुआकामोले.
को पेस्ट करके ये देखिए सुंदर ग्रीन पेस्ट इनसाइड, सुंदर अप्लायंस आउटसाइड, इट्स ऑल परफेक्ट। सो ये है मेरा ग्वाकामोली, थोड़ा सा नमक ऑफ कोर्स और थोड़ा सा पेपर, दैट इज रेडी। अब एक ही स्टेप बाकी है, सैलेड को मिक्स करें, इसके अंदर डालेंगे स्प्रिंग अनियंस, टमाटर अंदर डालेंगे, अब किनोआ सैलेड को थोड़ा मिक्सअप करेंगे ऐसे, अगेन मैक्सिकन फ्लेवर्स हमारे इंडियन फ्लेवर से इतने मिलते हैं, टमाटर, नींबू, धनिया, जीरा, मिर्ची, इसको डालेंगे हमारे छोटे से ग्रीन बोल में, थोड़ा किनोआ, ये देखिए इस पे डालेंगे हमारा सिंपल सा ग्वाकामोले, गुड फॉर योर हार्ट एज वेल। तो ये है मेरा हार्ट फ्रेंडली, हार्ट हेल्दी किनोआ एवोकाडो सैलेड। एवोकाडो किनोवा सैलेड बनाने के लिए एक पैन में किनोवा और पानी डालकर उसे उबाल लीजिए। नाउ कट द एवोकाडो इन हाफ एंड ऐड लेमन जूस ऑन इट। अब एवोकाडो को मिक्सर में डालकर उसका पेस्ट बनाएं और सॉल्ट एंड पेपर डालकर उसे मिक्स करें। नाउ ऐड स्प्रिंग अनियंस, टोमेटोस, सॉल्ट एंड लेमन जूस टू द किनोवा एंड मिक्स इट वेल। अब उस पर एवोकाडो का पेस्ट डालकर सर्व करें। योर एवोकाडो किनोवा सैलेड इज रेडी। Sunflower seeds, pumpkin seeds, flax seeds, dry fruits, nuts. How do they keep you healthy? I'm going to show you right now with honey orange muesli.